नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से पर्ची मिलान के मामलों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करके डाले गए वोटों के 100% वेरिफिकेशन की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज की गई सभी याचिका को भी खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। आपको बता दूं दोस्तों कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR और कुछ दूसरे संगठनों ने याचिका दायर पर वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की थी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ईवीएम से ही वोट डाले जाएंगे और ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा दोस्तों कि 45 दिन तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रखी जाएगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के सिग्नेचर के साथ सुरक्षित रहेगी। ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई विवाद होता है तो ईवीएम में पड़े वोटों का मिलान किया जा सके। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट्स को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार नतीजों के 7 दिन के भीतर ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन के लिए दोबारा काउंटिंग की मांग कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने कहा कि वीवीपैट मिलान का खर्च उम्मीदवारों को उठाना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को भी खारिज कर दिया। अगर बात करें अभी के मिलान का तरीका, तो दोस्तों चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक मौजूदा समय में लोकसभा क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों के ईवीएम वोटों और वीवीपैट पर्ची का मिलान किया जाता है। साल 2023 में ADR ने 100% ईवीएम वोटों और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुनाव आयोग ने कहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद किसी तरह का कोई शक नहीं रहना चाहिए। अब पुराने सवाल खत्म हो जाने चाहिए। चुनाव सुधार आगे भी जारी रहेगा। अब बात करें वीवीपैट की कि मतलब वीवीपैट कैसे काम करता है। तो दोस्तों वीवीपैट का मतलब वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है। वीवीपैट और ईवीएम दोनों ही मशीन कंट्रोल यूनिट से जुड़ी होती है। जैसे कि ईवीएम मशीन में बटन दबाते हैं, एक बीप की आवाज आती है। इसके साथ ही जिस उम्मीदवार को आपने वोट डाला है उसकी एक पर्ची प्रिंट होकर दिखने लगती है। ये पर्ची मशीन पर कुछ सेकंड के लिए नजर आती है। इसके बाद ये पर्ची मशीन में मौजूदा एक सील पैक बॉक्स में गिरती है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस पे, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।